देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एनसीसी ग्रुप गोरखपुर द्वारा कैडेट का दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। एडीजी जोन अखिल कुमार ने दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महापौर ने रामगढ़ताल स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में सभी प्रतिभागियों का किया अभिवादन। कहा, अखंड भारत के निर्माता थे सरदार पटेल। पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के शिक्षकों ने जिलाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। भाजपाइयों ने क्षेत्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद राय के नेतृत्व में मंगलवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर गोलघर काली मंदिर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, अखंड भारत के निर्माता हैं सरदार पटेल। अपना दल एस के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष चौधरी उदय भान सिंह के नेतृत्व में गोलघर काली मंदिर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, देश को अखंड बनाने में है सरदार पटेल का विशेष योगदान। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने डीएम कार्यालय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। उनके पद चिन्ह पर चलने का लिया संकल्प। एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में ग्राम विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ सकुशल संपन्न। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर पहुंचे एडीजी ट्रैफिक बीडी पालसन ने नगर निगम स्थित आईटीएमएस का किया निरीक्षण। आईटीएमएस द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीआरपीएफ में तैनात जवान की दिल्ली में मौत के बाद पार्थिव शरीर लाया गया उनके पैतृक गांव कसिहार। शव के पहुंचते ही परिजन लिपट कर रोने लगे और परिवार में मच गया कोहराम। सेना की टुकड़ी द्वारा सलामी के बाद सैनिक सम्मान और स्थानीय परंपरा से उनका किया गया अंतिम संस्कार। गोरखपुर में सुगम यातायात व्यवस्था के मद्देनजर लेफ्ट लेन को ट्रैफिक फ्री करने की शुरू की गई कवायद। एसपी ट्रैफिक श्याम देव बिंद की अगुवाई में शहर के प्रमुख चौराहों पर अभियान चलाकर लेफ्ट लेन को ट्रैफिक फ्री रखने के लिए लोगों को किया गया जागरूक। दुर्गा पूजा और दशहरा के शांतिपूर्ण संपन्न हुए त्यौहार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जनपद वासियों का जताया आभार। आगामी त्यौहारों में भी मिलजुल कर त्यौहार मनाने की अपील।